हेलो प्रिंस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बुक के द्वारा। आप लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर टेस्ट में हिस्सा लिया है, वो चीज़ मुझे देख जानकर बहुत ही रजिस्ट्रेशन करके बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि आप लोगों को जो मैं चीज़ें सिखा रही हूँ, देखिए जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो यानी कि वो अपने कोर्स के प्रति सीरियस है, इसलिए मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी। और काफ़ी लोग तो ऐसे फ़ोन कर रहे हैं जो आके यहाँ पर सीखना चाहते हैं, चाहती हैं, तो ये चीज़ जानकर बहुत खुशी हुई। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा कोर्स को लेकर सीरियस हैं, तो इससे जब आप लोग इतना सीरियस हैं तो मुझे उससे डबल सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ताकि पर डे मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। और आप लोग जो ये स्किन देख रहे हैं इतनी ग्लो करती हुई, ये रियल में इतनी ग्लो नहीं करती है, जो हकीकत है। ये सोचकर आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए कि नहीं दीदी की स्किन बहुत ग्लो कर रही है, लाइट का होता है। बाकी मेरे फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा ग्लो भी नहीं रहता है, लाइट की वजह से है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, अब परेशान नहीं होंगे आप लोग। तो चलिए अभी टॉपिक पर चलते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर टेस्ट में हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि जल्दी कोई टेस्ट नहीं लेता है ब्यूटिशियन में, और मैं ब्यूटिशियन में टेस्ट ले रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं अपने कोर्स को, अब मैं अपने इस चैनल की सभी वीडियोज़ को लेकर बहुत सीरियस हूँ कोर्स को लेकर। तो अब भी जो भी अब मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को वीडियो अपलोड करूँगी। तो अब मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि इसमें दो चीज़ मुझे आप लोगों से सजेशन लेना है। मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ पर डे, तो वो जो मैं शाम को करती हूँ वो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको 1 से 2 बजे के बीच में अपलोड करूँ, कि आप लोगों से ले रही हूँ सलाह, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट और टीचर की जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी होती है, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि मतलब कुछ भी करूँ तो मैं आपसे सलाह ले लूँ। तो वो ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी कुछ बीच की चीज़ें ही भी निकल कर आती हैं जो हम दोनों लोग को भी नहीं पता होती है, और कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 1 से 2 बजे का बीच का टाइम किस लिए, मैं इसलिए जा रही थी, जैसे कि हम लोग नॉर्मली क्लास जब लेते हैं तो वो दोपहर के टाइम ही रखते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम मेरी बहनें सभी खाली रहती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से वीडियो को देख पाती हैं, हो सके तो तुरंत प्रैक्टिस भी कर लेती हैं। और जबकि मैं शाम को जब वीडियो अपलोड करती हूँ तो शायद ये होता है कि मैंने शुरू में ये चीज़ सोचा भी था, पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वीडियोज़ बनते बनते कोई ना कोई पार्लर में आ जाता है, तो वीडियो शाम हो जाती है और फिर घर जा कर अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि भले ही मैं एक दिन आज वीडियो ना अपलोड करूँ, पर आज की जो वीडियो बनाऊँ उसको कल दोपहर में, ठीक है, कल की जो वीडियो बनाऊँ वो परसों दोपहर में, इस तरीके से करूँ। तो आप लोगों को दोपहर में जब वीडियो मिलेगी तो उसको ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये था एक, ये आप लोगों एग्री करिएगा अगर समझ में आए कि हाँ ये समझ ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा, यस लिख कर भेज सकती हैं कमेंट में। और दूसरी चीज़ ये मुझे पूछनी थी कि अब मैं अपने कोर्स के प्रति सीरियस हूँ, तो मैं अपने कोर्स में एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, और आप लोगों को छोटी से छोटी चीज़ भी सिखाना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने देखा है कि अगर किसी ब्यूटिशियन को आप जान जाते हो कि हाँ ये पार्लर वाली है, सीधा हिंदी भाषा में बोलूँ तो पार्लर वाली ही ज़्यादा लोग बोलते हैं ब्यूटिशियन, जबकि एक किसी भी चीज़ को, किसी भी लोगों के जो पैसा होता है उसको अगर अच्छे से लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और सामने वाले को खुद को भी। पर कुछ लोग हैं जो अरे पार्लर वाली, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अपनी अपनी इच्छा है। तो सुनते मान ही कहते हैं अरे अब मेरे बाल झड़ रहे हैं तो मेरे लिए कुछ बता दीजिए, मेरे आँखों के नीचे डार्क सर्कल है तो कुछ बता दीजिए, मेरे लिप्स फट रहे हैं तो कुछ बता दीजिए, और ऐसा क्या करें जिससे मेरे बाल बहुत अच्छे हों, ऐसा क्या खाएं जिससे मेरी स्किन बहुत अच्छी हो। तो वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जिसे हम कहते हैं ब्यूटी टिप्स। तो आप लोगों को ब्यूटी टिप्स जो है वो बहुत आनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं ये चीज़ आपको ब्यूटी टिप्स के बारे में आगे तो मैं बताने वाली हूँ, तो इसे तो मुझे बताना ही है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं पहले बता दूँ, ताकि वो चीज़ें आप लोग अपने साथ, वो एक्सपीरियंस आप लोगों का हो जाए, वो अपने ऊपर आप लोग करो, उसका एक्सपीरियंस रहे, तब भी आप किसी को, जैसे कि अभी आप क्लास ले रहे हो ना, तो कुछ समय के बाद आपसे ही लोग पूछने लगेंगे कि हाँ आप क्लास, आपके घर के ही लोग पूछें कि सीख तो रही हो, बता दो मेरा बाल झड़ रहा है क्या करें।
हाँ पार्लर सीख रही हो, बता दो मेरे पिंपल्स निकल रहे हैं तो क्या करें। तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं ब्यूटी टिप्स आप लोगों को थ्योरी लिखवा देती हूँ, क्योंकि उस तरीके से आप लोग भूल जाती हैं ना जब जैसे कुछ चीज़ बताते हैं या वीडियो ढूंढने लगती हैं। और थ्योरी लिखवा देने के बाद क्या होगा कि मैं एक दो तीन चार वीडियो में हर हफ्ते में एक बार थ्योरी, जैसे हो गया एक बार नींबू के क्या फ़ायदे हैं और कौन सी स्किन पर नींबू के किस तरीके से फ़ायदे हैं, उनको किस तरीके से यूज करें, और अगर देख लें कि बनाना के क्या फ़ायदे हैं, टमाटर के क्या फ़ायदे हैं, मुल्तानी मिट्टी के क्या फ़ायदे हैं, चंदन के क्या फ़ायदे हैं, इन सभी के बालों के और स्किन के लिए किस तरीके से ये हमारी स्किन पर फ़ायदा करते हैं, इन सभी को किस तरीके से यूज करें और हर स्किन टाइप का अलग अलग। तो इस तरीके से आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि मेरी बाल झड़ रहे हैं दी, मेरे बाल झड़ रहे हैं या मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल, तो काफ़ी हद तक ये सारे सवाल भी खत्म हो जाएंगे। वहाँ पे आप लोग लिख लोगे तो अपने से खुद ही सॉल्व कर लोगे कि हाँ मेरी स्किन टाइप ये है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है। तो मैं सभी कुछ कारण और प्रॉब्लम्स और इस्तेमाल सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगी, फ़ायदे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी उसके फ़ायदों के साथ बताऊंगी। मैं सोच रही थी इसके लिए एक चैनल अलग से खोल दी थी जिसमें मैं ब्यूटी टिप्स पे देती, लेकिन मैंने कहा कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा चैनल्स आप लोग वो हो जाओ ना, कभी दो चैनल ऑलरेडी हैं, और तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मुझे इसी दोनों चैनल में बैलेंस करना चाहिए कि इसी में मैं एक दिन ऐसा रख दूँ या कि हफ्ते में एक दिन रख दूँ किसी भी दिन। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हाँ ये ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रूमिंग हमारे कोर्स में जो होता है, पहली चीज़ जो होती है वो ग्रूमिंग, कि अपनी खुद की केयर किस तरीके से करें। तो वो चीज़ें थी कि ग्रूमिंग में जब आपको हर चीज़ के बारे में पता होगा तभी वो अपने ऊपर आप चीज़ें फॉलो कर पाओगे ना, यूज कर पाओगे। तो इसीलिए मुझे सजेशन लेना था, तो क्या ये सही है, मुझे ब्यूटी टिप्स आप लोगों को लिखवानी चाहिए थ्योरी के तौर पर? तो लिख लेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये आपके हमेशा काम आएंगे। जब आप अपने पार्लर में भी सिखाएंगे तो अपने स्टूडेंट को भी बता सकती हैं और आपको प्लस नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। और एक चीज़ और था, आप हमेशा आप लोगों को मैगजीन वगैरह ब्यूटिशियन की हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। जैसे पेपर हो गया अभी और शनिवार को शायद संगनी आता है दैनिक जागरण में, उसमें भी ब्यूटी के काफ़ी चीज़ें लिखी रहती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए, गूगल पे सर्च करना चाहिए किसके क्या फ़ायदे हैं। तो इससे आप हर ब्यूटी के क्षेत्र में अगर हो, किस कोई किसी भी क्षेत्र में रहता है तो उसकी प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं कोर्स तो करवा रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सारे आर्टिकल वगैरह आप पढ़ते रहिए आर्टिकल, तो उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज डबल हो जाएगी। जो मैं सिखाऊंगी वो तो सिखा रही हूँ कोर्स में है ही है, लेकिन किसी चीज़ की और डीपली जाके, जैसे कि अब हम ये बात करते हैं कि चलिए हमारे बाल झड़ रहे हैं तो हमारे बाल किस कारण से झड़ते हैं, क्या क्या कारण होने चाहिए। मैंने जो मेन कारण थे वो तो बता दिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है कि टॉपिक पर कई कई बनाने तो लोग बोरियत भी हो जाते हैं। तो वो चीज़ें जब आप आर्टिकल पढ़ते हो कहीं पे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में और ज़्यादा चीज़ों को आप समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दिया करिए, अगर अपने कोर्स को आप इसमें आज क्षेत्र में आप आगे अच्छा बढ़ना चाहते हो, ब्यूटीशियन एक अच्छी प्रोफेशनल ब्यूटीशियन बनना चाहते हो, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आप लोगों से अब मैं 1 से 1.5 बजे की वीडियो में बीच में अपलोड करूँगी वीडियो। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आप लोगों से ये सजेशन लेनी थी कि आप लोग को ब्यूटी टिप्स की थ्योरी लिखनी है कि नहीं लिखनी है, ठीक है। और दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, उसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा उसको भी। और उस वाले चैनल पर अगर आप लोग को लाइव मेकअप सीखना है तो 1000 सब्सक्राइबर उसको पूरा करिए। काफ़ी लोगों जो इस पे हैं सब लोग गए हैं लेकिन काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर उस वाले चैनल पर नहीं होंगे तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी, आप लोगों से पहले ही बताया। तो 1000 सब्सक्राइबर करिए, अभी लगभग 600 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अभी 400 सब्सक्राइबर बाकी हैं। मैं उस पर ज़्यादा वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए जो भी आप ही लोग हैं उस पर और कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा एक चैनल को स्टार्ट करने पर गुरुगण में टाइम लगता है, प्लस मैं उस पर डेली वीडियोज़ भी नहीं डाल पाती हूँ इसलिए। लेकिन उस पर अगर जाएगी वीडियो तो दूसरे दिन या डेली कोशिश करती हूँ, पर दोनों पर नहीं मैनेज हो पाता है, ठीक है। और प्लस अभी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो और ज़्यादा नहीं टाइम हो पाता है। तो चलिए आप लोगों का जो भी सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगता है वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय।